हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर्दियों का मौसम अपने अंतिम दिनों पर आ चुका था। घरों के बंद पड़े पंखे, कूलर, एसी फिर से चलने लगे थे। लोग आइसक्रीम, बर्फ का गोला, कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पानी के मजे लेने लगे थे। पर रिधिमा की सास केतकी को अब भी सुबह सवेरे ठंड लगा करती थी। ऐसे ही एक दिन केतकी नहाकर बाथरूम से बाहर आती है और रिधिमा आराम से पंखा चलाकर बैठी होती है। ये देखकर केतकी कहती है, अरे बहू पागल हो गई है क्या? क्या हुआ माँ जी, ये पंखा क्यों चला रखा है? बंद कर इसे, ठंड लग रही है मुझे, दिख नहीं रहा मैं नहा कर आई हूँ। माँ जी आप कागज की बनी है क्या? अरे गर्मियाँ आ गई है, पंखा तो चलेगा ही। हाँ हाँ तुझे तो दुनिया से सबसे न्यारी गर्मी लगती है, बंद कर इस पंखे को और जाकर मेरे लिए एक कप लौंग इलायची की चाय बना कर लेकर आ। अपनी सास की बात सुनकर रिधिमा बुरा सा मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है और चाय बनाना शुरू करती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मौसम में गर्माहट भी बढ़ती जाती है। एक दिन घर का सारा काम खत्म करके रिधिमा एसी चलाकर आराम से सोफे पर पसरी होती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी वहाँ केतकी आती है और एसी की ठंडक से उसे ठंड लगने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, रिधिमा अरे ओ कुंभकर्ण की छठी औलाद, क्या है ये सब? क्या हुआ माँ जी? तू घर को जम्मू कश्मीर बनाकर बैठी है, तेरे अंदर कौन सी भट्टी तप रही है? माँ जी भट्टी मेरे अंदर नहीं बल्कि बाहर सूरज की तप रही है। अरे गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में काम करते करते पसीने से बदन भीग गया था मेरा, तो एसी चला लिया मैंने। बंद कर इसे, देख कैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं इस ठंड की मशीन को ही हटवा दूंगी। माँ जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे एसी गर्मियों में नहीं तो क्या सर्दियों में चलाएंगे? बकवास मत कर, समझ गई, जरा सी गर्मी में पिघल नहीं जाएगी तू मोमबत्ती की तरह। आप भी ना पानी नहीं है जो जरा सी ठंडक से जम जाएंगी। एसी, कूलर, पंखे, टेबल फैन सब कुछ चलाऊंगी मैं। इतना कहकर रिधिमा पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही केतकी खुद से कहती है, मैं भी देखती हूँ किस तरह चलाती है ये सारी ठंडी और हवादार चीजें। इतना कहकर केतकी अपने कमरे में चली जाती है। रात को सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। सभी के सोने के बाद केतकी उठती है और अलमारी के दराज में से प्लास निकालती है और घर में लगे सारे एसी पंखों की तारों को काट देती है और मन ही मन सोचती है, अब देखती हूँ मेरी बहू रानी कैसे ठंडक फैलाती है इस सारे घर में। इतना सोचकर वो प्लास को वापस उसी जगह पर रखकर आराम से सो जाती है। अगले दिन रिधिमा गर्मी में बेहाल, थकी हारी सब्जी लेकर बाजार से घर आते हुए बोलती है, बाबा रे बाबा बहुत गर्मी है, सासू माँ भी पता नहीं कहाँ है, एक ग्लास पानी भी नहीं दे सकती। अरे इस पंखे को क्या हो गया? चल जा भाई, क्या मुसीबत है। अरे ये एसी में भी आग लग गई क्या? इतनी गर्मी से मेरा जिया जल रहा है और एसी पंखे नहीं चल रहे। रिधिमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर केतकी आकर कहती है, अरे बहू क्या हो गया, क्यों ज्वालामुखी की तरह तप रही है? माँ जी एसी पंखा कुछ भी नहीं चल रहा है, गर्मी से मेरा बुरा हाल हुए जा रहा है, देखो मेरे कपड़े कैसे पसीने से भीग गए हैं। ओफो मैं भी किसे समझा रही हूँ, जिसे भरी गर्मी में भी ठंड लगती है, बस जरा सी कूलिंग क्या हो जाए ये तो जम जाती है। बहू इतनी भी गर्मी नहीं है जितनी तू हाय हाय मचा रही है। क्या कहा आपने, गर्मी नहीं है? माँ जी बाहर निकल के देखो कैसे चिलचिलाती धूप से बदन तप रहा है। अरे बॉडी ऐसी हो गई है जैसे किसी ने माइक्रोवेव में लगाकर टेम्परेचर सेट कर दिया हो। अच्छा जली भुनी तो दिख नहीं रही तू कहीं से। माँ जी मैं वैसे ही गर्मी से बहुत परेशान हूँ, आप क्यों मेरा पारा हाई कर रहे हो? यहाँ एसी कूलर नहीं चल रहे हैं, आपको अपनी बकवास की लगी है, आप हटो मैं नहाने जा रही हूँ ठंडे पानी से जिससे मुझे तसल्ली मिल जाए। अरे एक काम कर बहू, तू फ्रिज में जाकर बैठ जा, सामान बाहर निकाल दे, खुद बैठ जा उसके अंदर, अच्छे से ठंडी हो जाएगी। माँ जी अपने गंदे आइडिया अपने पास रखो। इतना कहकर रिधिमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जल्दी से ठंडे पानी से नहाकर अपनी गर्मी दूर करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और केतकी की गर्मी में भी सर्दी लगने वाली आदत की वजह से
रिधिमा का बुरा हाल हो जाता है। केतकी कभी उसे फ्रिज में ठंडा पानी रखने के लिए सुनाती, तो कभी पंखे कूलर एसी चलाने पर सुनाती। इन सब से परेशान होकर एक दिन रिधिमा खुद से कहती है, लगता है सासू माँ को बोल कर नहीं समझ आने वाला, उनको कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा, तभी उन्हें समझ आएगी। इतना सोचकर रिधिमा अपने मन में केतकी को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। जिसके बाद अगले दिन केतकी जब मंदिर गई होती है, तो रिधिमा बिजली वाले की मदद से सारे एसी पंखों को हटवा कर घर में हीटर लगवा देती है, जिससे घर में ठंडक की जगह गर्माहट होने लगती है। काफी देर बाद जब केतकी मंदिर से घर आती है, तभी वो रिधिमा को आवाज देकर कहती है, बहू जरा एक ग्लास पानी लाकर दे। कुछ ही देर में रिधिमा पानी लेकर घर आती है और केतकी को देती है। केतकी जैसे ही पानी का एक घूंट भरती है, तो वो धड़ाम से पानी का ग्लास जमीन पर फेंक कर बोलती है, अरे बहू पागल हो गई है क्या, इतना गर्म पानी, अरे मुझे अंदर से जलाना चाहती है क्या। माँ जी आपको तो पसंद है ना गर्मी में गर्म पानी से नहाना, पूरी बाजू के कपड़े पहनना, तो मजे लो ना इसकी। मैंने सोचा कितना बहस करूंगी आपसे, इससे अच्छा तो मैं आपके रंग में रंग जाऊं, अब से हम दोनों गरम पानी पिएंगे, गर्मी में हीटर चलाएंगे, गरम गरम हवा लेंगे, गरम गरम पानी से नहाएंगे, सब कुछ गर्मा गर्म होगा माँ जी। इतना कहकर रिधिमा हीटर चालू करती है, जिसकी गरम गरम हवा से केतकी को पसीने आने लगते हैं, और वो वहाँ से उठकर बाथरूम में नहाने चली जाती है, पर उसे वहाँ भी गर्म पानी ही मिलता है। ऐसे ही गर्मी को शांत करने के लिए वो फ्रिज से ठंडा पानी निकालने के लिए रसोई में जाती है, पर वहाँ भी रिधिमा ने फ्रिज को बंद कर रखा था, इसी वजह से उसे वहाँ भी ठंडा पानी नहीं मिलता। इन सब से परेशान होकर केतकी रिधिमा के पास आकर बोलती है, रिधिमा बहू कुछ कर, इस गर्मी से मेरा दिल घबरा रहा है, मैं इतनी गर्मी नहीं झेल सकती, कुछ कर जल्दी, हाय गर्मी। तभी रिधिमा अपने कमरे की खिड़की खोल देती है, जहाँ से ताजी ठंडी हवा केतकी के चेहरे पर पड़ती है और उसे राहत महसूस होती है। ये देख कर रिधिमा बोलती है, तो माँ जी कैसी लगी आपको गर्मी में गर्मी। अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैं समझ ही नहीं पाई कि मौसम के साथ हमें खुद को बदलना चाहिए, अपनी आदतों को बदलना चाहिए, क्योंकि जैसे बिना मौसम बरसात नहीं भाती, वैसे ही गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं भाती। ये हुई ना बात, चलो माँ जी आप मेरे कमरे वाले बाथरूम में नहा लो, वहाँ पर ठंडा पानी रखा है। ये सब तो बस मैंने आपको एहसास दिलाने के लिए किया था कि अगर भगवान ने सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसम बनाए हैं ना, तो हमें भी उनके साथ साथ बदलना चाहिए और उन मौसम को एंजॉय करना चाहिए, ना कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर उन्हें बिगाड़ना चाहिए। रिधिमा की बात सुनकर केतकी मुस्कुरा देती है, जिसके बाद रिधिमा वापस से बिजली वाले को बुलवाकर एसी पंखे सब लगवा देती है, और अब दोनों सास बहू गर्मियों के मजे लेती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।